हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट। रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रेलवे पुलिस फोर्स के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है RPF के, जहाँ पे एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हो। RPF की तरफ से जो वैकेंसीज निकल गया है, उस वैकेंसीज के अंदर किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। RPF कॉन्स्टेबल एंड SI के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट के नया अपडेट है, न्यू जो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। अगर कोई कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो क्या है प्रोसेस, यार आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली और जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.studywithsovik.com, इसमें आप लोग जा सकते हो एंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। RPF कांस्टेबल एंड SI के जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जहाँ पे कांस्टेबल SI एंड सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अप्रॉक्स 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आया है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आया है। अरे एक बहुत बड़ी अपडेट है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो इस सारे वैकेंसीज के अंदर आप लोगों को जॉब मिलने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको दिया जा रहा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आवर ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, जो ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन रहने वाले, इसी के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेल कैंडिडेट एंड फीमेल दोनों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। CBT एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी सिलेक्शन के एग्ज़ाम होने वाला है, इन सारे एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ क्लियरली आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि CBT के ऑफिशियल एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 10th स्टैंडर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं, जहाँ पे 90 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, एरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, एरिथमेटिक 35 एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो, एंड 90 मिनट के अंदर आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें, 1600 मीटर रन विद इन 5 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट, 600 मीटर रन फॉर 3:40 फॉर फीमेल कैंडिडेट, लॉन्ग जंप 14 फीट फॉर मेल, फीमेल के लिए 9 फीट, हाई जंप 4 फीट फॉर मेल एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। जहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व एंड OBC 165, फीमेल के लिए 175, ST के लिए 160, फीमेल के लिए 152, गारखास जो माउंटेन एरिया से बिलोंग उनके लिए 163 फॉर मेल एंड 155 फॉर फीमेल कैंडिडेट। चेस्ट को जो है यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है, जो कि अनरिजर्व OBC के लिए 80 एंड 85 टू एक्सपेंडेड, SC ST के लिए 76 एंड एक्सपेंडेड 81, गार्ड कोर्स के लिए 80 to 85। यहाँ पे जो सैलरी आपको दिया जाए 21,000-35,000 तक सैलरी, एज लिमिट 18 से 25 ईयर। इसके अलावा आपको एज रिलैक्शन भी आपको मिलेगा, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से इसको एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।